हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री लखनऊ आकर सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों के बीच दोनों की मुलाकात हो सकती है। धीरेंद्र शास्त्री ने सीएम योगी से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। माना जा रहा है कि रविवार या शनिवार को सीएम योगी से मुलाकात का समय मिल सकता है। धीरेंद्र शास्त्री जब सीएम योगी से मिलने जाएंगे तो उनके साथ निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतवा बाबा भी रहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर सीएम योगी से मिलना चाहते हैं। इस दौरान वो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए सीएम योगी को आमंत्रित भी करेंगे और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी से औपचारिक तौर पर अनुरोध भी करेंगे। बाबा बागेश्वर ने सीएम योगी से मिलने के लिए शुक्रवार 27 जनवरी का समय मांगा था। 27 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं, इसलिए उस दिन मुलाकात संभव नहीं है। बागेश्वर बाबा 2 फरवरी को प्रयागराज के माघ मेले में जाएंगे। खबर के मुताबिक वो 8 बजे ही माघ मेले में आ जाएंगे और मेले में त्रिवेणी संगम पर पास्ता की डुबकी लगाएंगे। इस दौरान वो मेले में आए कई संत महात्माओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए माघ मेले में आएंगे। उनकी इस मांग को विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन मिला है, जिसके बाद वो काफी उत्साहित है। 25 जनवरी को हुए संत सम्मेलन में संतों ने एक स्वर में बागेश्वर बाबा का समर्थन किया था।